इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन टीम इंडिया के नाम रहा। पहले तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड टीम को 205 रनों पर ही ढेर कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी शानदार गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर धूल चाटते नजर आए। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए। आपको बता दें, अक्षर पटेल का ये होम ग्राउंड है। पिछले मैच में भी अक्षर पटेल ने 11 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था और आज भी 4 विकेट लेकर ये साबित कर दिया कि उनमें कितनी काबिलियत है। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 20 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट झटके। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया के लिए 1 विकेट लिया और इस तरह से पूरी इंग्लिश टीम 205 रनों पर ढेर हो गई। 205 रनों पर इंग्लैंड टीम को आउट करने के बाद टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही और 0 रन के स्कोर पर ही जेम्स एंडरसन ने शुभमन गिल को पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा। टीम इंडिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 24 रन बनाए। फिलहाल देखना होगा कि टीम इंडिया दूसरे दिन कैसा खेल दिखाती है। पहला दिन तो टीम इंडिया के नाम रहा और गेंदबाजों ने अपना काम किया। अब बारी है भारतीय बल्लेबाजों की। देखना होगा कि दूसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाज कैसी बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।